अयोध्या में एक भीषण सड़क हादसे में साइकिल से स्कूल जा रही तीन छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हादसा कैंट थाना क्षेत्र में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर हुआ, जहां डिवाइडर से टकराकर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक के नीचे दबकर शहर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज की तीन छात्राओं की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि प्यास से लदा ट्रक हाई स्पीड में था और चालक ने अचानक से नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से ट्रक डिवाइडर से जा टकरा और पलट गया। वहीं हादसे की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारी और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मौके पर पहुंचे। विधायक ने बताया कि हादसे पर सीएम योगी ने शोक संवेदना व्यक्त की है, साथ ही परिजनों को तत्काल 2 लाख रुपए और घायल परिजनों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है। बड़ी हृदय विदारक घटना है, शब्दों में अपने कष्ट को बयान नहीं कर सकते। बच्चियाँ स्कूल जा रही थी, एक ट्रक जा रहा था लोडेड, वो ओवर ब्रेकर पर चढ़ते वक्त उलट गया और बच्चियाँ दब गई, तीन बच्चियाँ, एक बच्ची तो घायल है, उसको लखनऊ भेज दिया गया है और तीन बच्ची इसमें मृतक हो गई। निश्चित रूप से उनके परिवार के प्रति बहुत ही सहानुभूति है, हृदय विदारक घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी सूचना दी गई, उन्होंने 2-2 लाख रुपए मृत्यु बच्चियों के परिवार के लिए और 50,000 रुपये जो बच्ची लखनऊ में इलाज ली गई है उसके लिए देने का काम किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील है, सरकार भी हमारी संवेदनशील है, लेकिन इस तरह की घटनाएँ घट जाती है तो बहुत ही कष्टप्रद है और हम सब लोगों के लिए, हम उनके परिवार के साथ सब लोग जुड़े हैं, हम हृदय से ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको शक्ति दे इस असीम दुख को सहने की। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दुर्घटना में ट्रक के खलासी को भी चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर गांव मिर्जापुर पड़ता है, इसके पास एक ट्रक पलट जाने से तीन बच्चियों की दुखद मृत्यु हुई है जो स्कूल जा रही थी, एक बच्ची घायल है, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। ट्रक जो है पुलिस के कब्जे में है, ट्रक में भी एक व्यक्ति जो संभवतः ड्राइवर है वो भी घायल है, उसको भी अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी ट्रक को हटाकर यातायात नॉर्मल किया गया है। घटना अभी तक जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है वो ट्रक जो है रोड के साइड के डिवाइडर से टकराया है, ये किन परिस्थितियों में टकराया है, क्या हुआ, इसकी अभी डिटेल जाँच की जा रही है, आगे आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है। हादसे में घायल छात्रा को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है और पुलिस मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।